युद्ध का वर्णन महाभारत के किसी भी पर्व में नहीं मिलता और यह केवल एक कथा के रूप में प्रचलित है। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनकी शक्ति कम करना चाहते थे ताकि विधि का विधान बना रहे। सूर्यपुत्र कर्ण का कवच कुंडल किसी भी अस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था, इसलिए कवच कुंडल के रहते युद्ध में कर्ण को हराना असंभव था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष भी था, जिसे धारण करने के बाद कर्ण को हराना नामुमकिन था। दूसरी ओर महान पांडव पवन पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र बर्बरीक थे। भीम के पौत्र होने के कारण बर्बरीक भगवान पवन देव के अंश अवतार थे और माँ दुर्गा के उपासक थे। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनकी सहायता से वह किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक इतने महान योद्धा थे कि आज भी उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जुए में जब पांडव अपने भाई कौरवों से हार जाते हैं तब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिलता है। जब पांडव वनवास को समाप्त करके अज्ञातवास में थे तब कौरव इनके अज्ञातवास को भंग करने के लिए अपने गुप्तचर को इनके पीछे लगा देते हैं ताकि पांडव हमेशा वनवास में ही रहें। यह घटना अज्ञातवास के समय की है जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच को युद्ध की सूचना देने उसके गुफा में जाते हैं। तब इस बात की जानकारी कौरवों के गुप्तचर को लग जाती है और ये गुप्तचर दुर्योधन को जाकर बता देते हैं कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही दुर्योधन पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए अपने मित्र कर्ण को साथ लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है। दुर्योधन के कहने पर उसके सैनिक उस गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से पता चल जाता है कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ गुफा के बाहर खड़ा है। तब वे अर्जुन को इस घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अभी अज्ञातवास में हो, इसलिए गुफा से बाहर मत जाओ। दोस्तों, उस समय उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और घटोत्कच के साथ इसका पुत्र बर्बरीक भी था। सभी को चिंतित देखकर बर्बरीक कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, मैं अकेले ही कौरवों और महारथी कर्ण को रोकूंगा, आप लोग इस गुफा के गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि बर्बरीक, क्या तुम कर्ण की शक्तियों के बारे में जानते हो? कर्ण के पास उसका दिव्य कवच कुंडल है जिसके कारण तुम कर्ण को किसी भी हथियार से घायल नहीं कर पाओगे। यह सुनकर बर्बरीक कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं इन सभी को कुछ समय से रोक नहीं पाता और वह बाण दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। तब दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण उसके आगे आ जाता है, जिससे वह दिव्य बाण कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल से टकरा कर नष्ट हो जाता है। यह देख बर्बरीक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बर्बरीक सोचने लगते हैं कि इस दिव्य बाण को केवल देवराज इंद्र ही अपने वज्र से रोक सकते हैं, फिर कर्ण के कवच से टकरा कर वह कैसे नष्ट हो गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और इन सभी को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए दुर्योधन से यहां आने का कारण पूछते हैं। फिर बर्बरीक से कहते हैं कि इन्हें गुफा में जाने दो। जब दुर्योधन और उसके सैनिक गुफा के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता।